नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात राजगढ़ की, जहां पर नर्सिंग महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोधिया नाराज हो गए हैं। अधिकारियों पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने फटकार लगा दी। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराज हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोधिया जमीन पर ही बैठ गए। जमीन पर बैठे अध्यक्ष को मनाने खुद कलेक्टर और मंत्री गौतम टेटवाल नीचे आए और उन्हें मंच पर बैठाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला राजगढ़ का है। नर्सिंग महाविद्यालय के भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोधिया नाराज हो गए। ये देखिए, नीचे बैठ गए हैं, अधिकारियों पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें फटकार भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है उन्होंने और इसी वजह से नाराज हुए हैं। जमीन पर बैठे अध्यक्ष को मनाने के लिए खुद कलेक्टर और मंत्री गौतम टेटवाल नीचे आए और उन्हें मंच पर बैठाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने राजगढ़ की इस वक्त आप देख रहे हैं। राजगढ़ पर आरोप लगा रहे हैं अंधेरी का उपेक्षा। अरे अध्यक्ष जी सर आइए, आइए आइए, आप ऊपर आ जाइए। कैसे अजय शाम जी, आइए आप, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। अपमान करते हो मेरा। अरे आ जाए अध्यक्ष जी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा सामने आई। अब 65 साल तक डॉक्टर सेवाएं दे पाएंगे। सभी प्रकार के डॉक्टर्स 65 साल तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे। 8 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 12 नए निजी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। आयुर्वेद के 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये बड़ी घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की गई। डांगी, शिवांगी, दिव्या, संस्कृति मंच पर हमारे बीच होंगी और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को वे पुष्प गुच्छ भेंट करेंगी। आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों की सौगातें हमें प्राप्त होने जा रही हैं। मैं आग्रह करूंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए और महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात में सरकार उनके साथ है, लेकिन सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी में कोई लापरवाही करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हेल्पलाइन के साथ समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों को दंडित करना था दंडित किया गया है और सरकार शपथ लेने के साथ ही जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नीचे तक सुशासन को उतारना है और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का मामला हो, महंगाई भत्ता का, तो हम सरकार उनके साथ है। उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों में हम उनके साथ है, लेकिन अपनी दक्षता के मामले में, ड्यूटी के मामले में कोई भी लापरवाही होगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही मैंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है। जो अधिकारी को दंडित करना था दंडित किया, जिनको डांट लगाना उनको डांट लगाई। दरअसल भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है कि हिंदुओं के त्यौहार पर हिंदुओं से व्यवहार करें। राजधानी भोपाल में बजरंग दल ने जगह जगह बैनर लगाए हैं, जिस पर लिखा है कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि दीपावली हर सनातनी का बड़ा त्यौहार है। श्री राम के अयोध्या आगमन पर त्यौहार मनाया जाता है और हर हिंदू के घर में दीपावली मने, इसीलिए उनसे ही सामान खरीदें। बजरंग दल के पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने अपील को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत बजरंग दल समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में सामाजिक संगठनों से इस तरह की अपील आना स्वाभाविक है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सनातन के विरुद्ध खड़े रहने वालों और बोलने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है।
और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, जिसने ये बयान दिया है उस पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, छोटी दुकानदारों को भी व्यापार का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने परिवारों के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से सनातन धर्म को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथ ही ऐसे लोगों के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री समाज से जाति पाति और ऊंच नीच का भेद मिटाने के अपने संकल्प के तहत आदिवासी समाज के बीच पहुंचे स्कूली छात्र छात्राओं सहित आदिवासी लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सामाजिक भेदभाव मिटाने का संदेश दिया। उन्होंने देश के सभी मठ मंदिरों से अनुरोध किया कि वो मंदिरों की जमीन पर गुरुकुल और गौशाला बनाएं ताकि शिक्षा के साथ गायों की सेवा हो सके। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक एक गुरुकुलम और एक एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दे तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा। पर हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी के मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ बेटियों को करने की स्वतंत्रता है, कोई अपराध नहीं। सागर जिले के राहतगढ़ में खाद वितरण को लेकर किसानों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कुर्सियां भी टूट गई। दरअसल कृषि उपज मंडी में स्थित केंद्र पर खाद का वितरण किया जा रहा था और इसी दौरान किसानों में पहले खाद लेने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। इसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने, देखिए एक दूसरे पर हमला करते हुए, कुर्सियां तोड़ते हुए ये सभी नजर आ रहे हैं। तो खाद वितरण केंद्र पर जो है ऐसी स्थिति निर्मित हुई। दरअसल खाद लेने की होड़ में आपस में भिड़ पड़े किसान। जो किसान आए उनको खाद दिया जा रहा है। अपने पास 800 बोरी थी, 70 टन आया था जिसमें से 30 टन सोसाइटियों को दे दिया गया है। अपने पास 40 टन था उसमें से किसानों को वितरित किया जा रहा है। यहाँ बाहर विवाद भी हुआ है किसानों का जी। तो क्या किस बात को लेकर हुआ है विवाद? तो सर कि पहले मुझे चाहिए इस वजह से विवाद हुआ। बताया जा रहा है एक ट्रक माल आया था उसको वापस पहुंचा दिया, किस बात को लेकर वापस पहुंचाया? वो वापस नहीं गई है, वो समिति में गया है, सोसाइटियों में, बेलखेड़ी और भैंसा समिति गया। नहीं तो माल वहीं रोका जा सकता था, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अपने पास जब तक नहीं आएगा जब तक सोसाइटियों को नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्याज से भरा ट्रक पलट गया जिसके बाद ट्रक में आग लगी है और इस हादसे में ड्राइवर सहित दो लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। यह हादसा शिवपुरी ग्वालियर फोरलेन का है। जानकारी के मुताबिक प्याज से भरा ट्रक भागलपुर से फरीदाबाद जा रहा था और इसी दौरान शिवपुरी ग्वालियर फोरलेन पर खूबत घाट के पास ट्रक का टायर फटा। टायर फटने के चलते गाड़ी पलट गई, आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक के अंदर मौजूद ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जल गए। छतरपुर में महिला ने कुएं में बच्चों संग लगाई है छलांग। पारिवारिक कला में दो बच्चों संग छलांग लगा दी, मासूम बेटी और बेटे की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर है। राजनगर थाने के भबुआ गांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर महिला ने दो बच्चों के संग छलांग लगा दी कुएं में और बेटा बेटी की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर है। बालाघाट में लूट के इरादे से रेतघाट पहुंचे अज्ञात युवक ने हंगामा किया है। रात 2:30 बजे मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ी से बमनी घाट पहुंचे युवक ने डंपरों को रोककर रुपए मांगे। मना करने पर युवक के साथ मारपीट की। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। संचालक के तिरोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रेडियो कॉलर बदल दिया गया। बताया जा रहा है कि रेडियो कॉलर बाघिन के गले में टाइट हो गया था, जिसकी वजह से उसे परेशानी हो रही थी। बाघिन पर सघन निगरानी करने के लिए 2 मई 2024 को रेडियो कॉलर लगाया गया था। और प्रदेश की सबसे बड़ी गोवर्धन पूजा ग्वालियर की आदर्श गौशाला में होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी से व्यापक स्तर पर गौ संवर्धन और गोवर्धन पूजा करने की अपील की। लिहाजा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला ग्वालियर में गोवर्धन पूजा महापर्व के रूप में मनाई जाएगी। आदर्श गौशाला में करीब 31 फीट ऊंचे गोवर्धन बनाए जाएंगे, जहां लगभग 108 टन गोबर से गोवर्धन का निर्माण होगा। गोवर्धन पूजा के लिए गौशाला में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस गोवर्धन पूजा को देखने के लिए ग्वालियर के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के श्रद्धालु भी ग्वालियर आते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए चल रही तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बार गोवर्धन पूजा अच्छे से मनाने की अपील की है। यही वजह है कि ग्वालियर में भी जो गौशाला है वहां पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन बनाए जाएंगे और इस बार सीएम की अपील के बाद खास तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि ये ग्वालियर की गौशाला है, जहां आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित है। इस गौशाला में करीब 10,000 से ज़्यादा गोवंश है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। इस गौशाला में हर साल वैसे तो गोवर्धन पर्व मनाया जाता है और इस बार सीएम की अपील के बाद यहाँ और ख़ास तैयारियाँ की जा रही है। आप देखिए, ये इस गौशाला परिसर में यहाँ पर गोवर्धन बनाए जाएंगे। सामने आप देखिए टीला है, इस टीले पर 108 टन वजन के गोबर से करीब 30 फीट ऊंची गोवर्धन की स्थापना की जाएगी और पूजा की जाएगी। और निश्चित तौर पर यहाँ गोवर्धन पूजा विशेष होती है और यही वजह है कि दूर दूर से ग्वालियर में गोवर्धन पूजा को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। भोपाल से खबर है, जहां पर धनतेरस के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसी दौरान उन्होंने सभी को धनतेरस और दिवाली की बधाई दी। उन्होंने अजय सिंह के कांग्रेस कार्यकारिणी पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि कांग्रेस की हर जगह यही हालत है, ये सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, इनका यही हाल रहा है और बीजेपी सक्रिय राजनीति करती है। के इस पावन पर्व पर दीपावली के पर्व की शुरुआत हुई है। मैं सबको, प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे पत्रकार मित्रों को सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि धनतेरस का पर्व सबके लिए सुख समृद्धि और वैभव लेकर के आए और ये धनतेरस का पर्व हर प्रकार से संपन्नता अपने प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। माँ लक्ष्मी का, धन्वंतरी महाराज का हमें सब आशीर्वाद मिले और आज इस पावन पर्व पर कार्यालय में पूजा की और आज सभी लोग भी मिलकर के पूजा कर रहे हैं। और धनतेरस पे आज इंदौर में 4,000 से ज्यादा कारों और 12,000 से ज्यादा बाइक की बिक्री होगी। शहर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बार गणेश चतुर्थी से ही उछाल है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% ज्यादा कारों की बिक्री होगी। पिछले साल धनतेरस पर 2,000 कारों की बिक्री हुई थी, तो वहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल धनतेरस पर 12,000 से ज्यादा बाइक की बिक्री होगी। धनतेरस पर आज 50 लाख की बाइक और 2.5 करोड़ की कार बिक रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 1,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में आज खूब धन वर्षा हो रही है। अगर कारोबार की हम बात करते हैं, जिसमें रियल एस्टेट है, सराफा, कपड़ा बाजार,
बर्तन बाजार और ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ये जो पूरा कारोबार है वो लगभग 2500 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम से बात करें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान है। फिलहाल इस वक्त हम आपको लग्जरी गाड़ियां भी दिखाएंगे और लग्जरी गाड़ियों के साथ में आज एक मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आज मिनी मुंबई में हर एक मिनट में 12 बाइक और 5 कारें बिक रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी विशाल जी हमारे साथ, उनसे बातचीत भी करेंगे। इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ जी नमस्ते, दिस इज़ विशाल पमनानी। यस, इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, बल्कि आज तक का देखा जाए तो ये कोविड के पहले के बिजनेस की रिकवरी है एंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है बिजनेस में। लगभग कितनी गाड़ियां आज बिकने का अनुमान है? हम यहां पे आज टाटा मोटर्स की 551 गाड़ियों की डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ। और ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो कितनी गाड़ियां आज बिकने का अनुमान है? आज इंदौर में करीबन 4000 गाड़ियां बिकेंगी कारें, और करीबन 12000 टू व्हीलर बिकेंगे। और हाँ जी, और कमर्शियल सेगमेंट में अलग गाड़ियों का मूवमेंट रहेगा। आज धनतेरस है और हमें हमारी टाटा कब घर चाहिए थी, टाटा घर भी चाहिए थी मेंबर के रूप में, फैमिली मेंबर के रूप में ही, इसलिए हम उनको साथ में लेके गए मेंबर को लेने के लिए। हाँ। अच्छा, कितना इंतजार रहता है धनतेरस का खास तौर पे, या पहले से प्लानिंग रहती है कि इसी दिन हम? हमने पहले से ही प्लानिंग की थी, हमें ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए बुक करके, और हमने ये डेट डिसाइड की थी कि हमें इसी दिन चाहिए। इसी दिन चाहिए। और धनतेरस पर आज राजधानी भोपाल समेत पूरे राज्य के बाजार गुलजार हैं। इस साल प्रदेश में 10 से 11000 करोड़ रुपए तक, राजधानी भोपाल में 1000 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। सबसे ज्यादा मांग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और सराफा बाजार में नजर आ रही है। कपड़ा, मिठाई, पटाखे, फर्नीचर समेत सजावट सामान का बाजार भी जगमगा रहा है। बाजार गुलजार हैं और साथ ही साथ लोगों की भीड़ पूरे बाजार में ही नजर आ रही है, चाहे वो ज्वेलरी शॉप पर हो, चाहे बाकी खरीदारी की चीजों पर हो, बर्तन हो, चांदी हो, सोना हो। आज शुभ रहता है आज का दिन ये सब खरीदना, और लोगों की भीड़ बाजार में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। उत्साह भी लोग नजर आ रहे हैं इस बार त्योहार पर।